एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है अभी 1:30। यहाँ से मेरा एक नया ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। और बार आज गुरुवार है और देख पा रहे हो स्नान कर लिया, बाल अभी भीगा है। और मैं अभी जा रही हूँ किसी का घर। तो कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, वो तो मैं जाके दिखाऊंगी। सो फिर चलो चलते हैं। तो बहुत दूर नहीं जा रही हूँ, पास में पड़ोस में किसी के घर जा रही हूँ, कुछ काम करना है इसीलिए। और देखो, और एक चीज ये देखो, नया फ्लावर खिला है आज, चाइना रोज। डोरी भी बन रहा है एक। और एक चीज और भी, एक आज पहली बार खिला है ये फ्लावर। और देखो इसका प्लांट कितना बेबी है, इसमें ही खिला है। सो चलो अब चलते हैं उनके घर। और कुछ आवाज़ आ रहा है ना, काम चल रहा है वहाँ पर, तो इसलिए आवाज़ आ रहा है। क्या चीज़ यहाँ पे तैयार हो रहा है, कुछ मतलब समझ पा रहे हो शायद। और जिसको नहीं पता, बोल रही हूँ ये है पापड़, पापड़ बेल रही हूँ। और आंटी घर पे हर साल ही बनाती है, तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ हर साल ही ये होता है। प्लांटेशन कर रही हूँ यहाँ पर। और ये स्नेक प्लांट का वैरायटी मेरे पास तीन, ये लेके तीन चार हो गया। और ये ना, ये गार्डन से मैंने उठा के लाई थी, और इसको जब से लाई हूँ वैसे ही पानी में रख दिया था। और एक का जार था और एक का नहीं था जार, तो वो जस मतलब जार आ जाए इसीलिए डाल के रखी थी, पर वो जार नहीं आ रहा है। मैं मतलब अभी और मतलब एक दो हफ्ता पहले लाई थी, इसीलिए और वेट नहीं कर रही हूँ। ऐसे भी पानी में तो ग्रो होता है, पर मैं ऐसे ही और रिस्क नहीं ले रही हूँ, इसमें ही मैं मिट्टी में डाल रही हूँ।
और ये हो गया, देखो इसमें पानी भी डाल दिया। और आज ना इंडोर ऑप्शन जितना है मेरे पास वो सब मैं लेके आ रही हूँ बाहर, क्योंकि मुझे अभी इसमें शावर करना है। मिट्टी बहुत दिन से हो गया, मतलब पानी डाल देती हूँ ठीक है, पर शावर नहीं कर रही हूँ, मिट्टी मिट्टी हो रहा है ऊपर, तो इसीलिए मैं लेके आ रही हूँ आज। मतलब पानी डालने के बाद, शावर करने के बाद आज पूरा मतलब शाम से पूरा रात ही रख दूँगी, कल सुबह मैं इसको उठा के अंदर रखूँगी। और ये ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, मैं देख रही हूँ एक मनी प्लांट थोड़ा सा वीक हो रहा है। और उसके बाद मुझे, ये मेरे गार्डन नहीं है, ये मतलब जो आंटी के घर में आई थी ना पापड़ बेलने के लिए, वो ही आंटी का ये पेड़ है बैंगन का, तो इससे ही उनका लगे है बैंगन, मुझे चाहिए था, मैं लेने गई थी। और ये ना हमारे उधां का मतलब बैंगन है, यहाँ का नहीं है, मैं इसका मतलब बेबी बनेगा उसका तैयारी अब कर रही हूँ। और ये करेला मैं स्लाइस करके कट रही हूँ। और मैं चाय पीते पीते मतलब टीवी देख रही थी, टीवी देखते देखते ना ज़्यादातर मैं यहाँ पे ही सब्जी बाहर बैठ के काटती हूँ। और ये करेला आज फ्राई बनाऊंगी, उसके लिए स्लाइस करके कट रही हूँ, उसके साथ बैंगन भी काट रही हूँ, और एक सब्जी भी इसके साथ मैं बनाऊंगी। और ये बैंगन ना बहुत मीठे होता है हमारे उधर का, और यहाँ का जब भरता वाला मैं पहली मतलब पहले भी बोल चुकी हूँ, वो कड़वापन आता है हल्का सा, ज़रा सा आता है, वो टेस्टी नहीं लगता है, ये टेस्टी वाला होता है, मीठा होता है थोड़ा बहुत। और जस्ट मैंने वैसे ही काट कर लिया रिंग पीसेस में, और देखो यहाँ पे मैंने कुकिंग करना चालू भी कर दिया। और एक मिक्स, जैसे बोला ना मैं मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ, उसके साथ दो फ्राई में बना रही हूँ, और एक साथ ही मैंने मतलब चढ़ा दिया, जल्दी जल्दी हो जाएगा ऐसे। कि ये फ्राई भी ना मतलब गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, पर मैं मतलब ऐसे ही बना के रख रही हूँ, गर्मा गर्म तो नहीं होगा। और चलो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कुकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। हे गाइस, सो मेरा डिनर ऑलमोस्ट डन, अभी राइस चढ़ाना बाकी है और करेला फ्राई करूंगी वो बाकी है, बैंगन फ्राई हो रहा है और एक मिक्स वेजिटेबल में बना रही हूँ वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया, जस्ट थोड़ा बहुत ही उसमें और मसाला वगैरह पड़ेगा, बस वो डन हो जाएगा। उसमें दिया मैंने पालक दिया बॉयल करके, और उसके बैंगन दिया, आलू दिया, बड़ी डालूंगी, और गोभी, फूल गोभी जो आता है ना उसका नीचे वाला पोर्शन, जो हम लोग फूल वाला पोर्शन यूज लेती हूँ, बाकी फेंक देती हूँ, तो वो पोर्शन आज मैं यूज कर रही हूँ ये सब्जी में, तो एक मिक्स वेजिटेबल टाइप का बनेगा वो, ठीक है। ये सिंपल हमारा डिनर मेनू है, और आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। संदीपन अभी तक आया नहीं, संदीपन आएगा तभी हम लोगों का डिनर होगा, और आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय। सब हैप्पी रहना, खुश रहना और हमेशा स्माइल करते रहना, ओके। और मेरे चैनल पर अगर किसी नया फ्रेंड आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ही कीजिए, ठीक है। टाटा, गुड नाइट एंड बाय।